बाकी बिहारी की जय हो। और देखिए, राखी की कहानी है, और अक्सर मुझे वृंदावन से सीता दीदी राखी भेजा करती थी। हर वर्ष राखी अपने आप पहुंच जाती थी, हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, फेसबुक पर ही एक रिश्ता बना था। पिछले साल राखी आने में थोड़ी लेट हो गई, तो देर से पहुंची थी, रक्षाबंधन बीत गया था। तो इसके बाद मुझे लगा कि राखी बहुत सुंदर थी ये वाली, तो मैंने सोचा कि लाओ राखी रख देते हैं, अगले साल ही बांध लेंगे। अब अभी लेकिन होता क्या कि हमको नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, और वो एक साल बीतने से पहले ही एक समय ऐसा आया है, जुलाई का ये दिन, और आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई को मैं और सीता दीदी आमने सामने बैठे हैं, और इसके पीछे एक बड़ी कहानी ये बैठी है कि जब मैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने गया था, तो बांके बिहारी मंदिर में भी एक अप्रत्याशित घटना घटी। और हुआ यूं कि जब हम दर्शन करने पहुंचे तो महाराज जी वहां मिले, उन्होंने हमें अंदर तक पहुंचा दिया दर्शन में। और अचानक से वहां जो महाराज जी, जो मुझे जानते भी नहीं थे, कोई परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरे हाथों में एक ये वाली राखी रख दी थी। तो जब मैंने देखा अचानक से, अरे यहाँ से राखी मिली हुई है, तो वहां पर फीलिंग्स हो गई कि कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि मतलब वृंदावन में राखी बंधवाने भी आए। क्योंकि जब मैं वृंदावन के लिए चल रहा था, जब हमारी यात्रा बनी थी, तभी मैंने सोचा था कि राखी लिए जाऊंगा, तो दीदी से बंधवाऊंगा ये राखी, क्योंकि रखी थी राखी, ध्यान में आया था। और फिर जब बांके बिहारी मंदिर से भी एक राखी मिली, तो फिर वो भाई बहन को एक रिश्ता समझ में आया कि वास्तव में ईश्वर, जो आत्मा के रिश्ते होते हैं, जिनको कहते हैं कि मन और आत्मा के रिश्ते होते हैं, वैसे रिश्ते बनते हैं इस सृष्टि में, इस संसार में, और लोग जीते भी हैं। तो भगवान भी, जैसे दीदी ने कहा कि भगवान भी चाहते थे कि मतलब ये रिश्ते को मैं सहमति देती हूँ। तो आप लोग सीता दीदी से सब परिचित हैं फेसबुक पर, और सब लोग मेरे जो मित्र हैं जो नहीं परिचित है वो भी परिचित हो जाए। मैं सीता अग्रवाल वृंदावन से, और आज से लगभग लगभग 8 साल हो गए होंगे, हाँ 8 7 साल पहले फेसबुक पे, तब फेसबुक नया नया था, तो फेसबुक पे सौरभ से मेरी मुलाकात हुई, और 2 4 बार की बात के बाद, एक दूसरे को कमेंट का आदान प्रदान करने के बाद, एक ऐसा आत्मीय रिश्ता बन गया कि उसने मुझे शुरू से दीदी बोला, और उस दीदी संबोधन में इतना मिठास था कि वो धीरे धीरे होते होते जो है हमारा बिल्कुल भाई बहन जैसा प्यार हो गया। और आज जबकि मैंने कभी सौरभ से मिली नहीं थी, कई बार प्रोग्राम बना कि मैं सौरभ से मिलूं, लेकिन चांस ऐसा पड़ा कि मैं मिल नहीं पाई, लेकिन आज सौरभ को जब अपने सामने देखा तो सच में मुझे इतना, मैं क्या बताऊं। और ये राखी वाली घटना के बाद तो लगता है कि स्वयं बांके बिहारी जी हमारे बहन भाई के रिश्ते को अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं, और बस सौरभ के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा हैं, खुश रहे, मेरा शुभाशीष, और बहुत प्यारा भाई है, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि सौरभ मेरे यहाँ आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सुंदरकांड आपके लिए। सुंदरकांड अभियान भी चल रहा था लगातार, तो हम सोचे क्या दे सकते हैं, तो इससे बढ़िया बिल्कुल क्या हो बिल्कुल, सकता इससे बड़ी है। कोई चीज हो नहीं ठीक सकती। खुश रहो भैया।